नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो प्री एंड पोस्ट मील के ऊपर होने जा रहा है। जैसा कि मेरे पास काफी मैसेज आ रहे थे, काफी कमेंट पे बोला जा रहा था कि सर प्री और पोस्ट डाइट के बारे में बताइए कि एक्सरसाइज करने के पहले और एक्सरसाइज करने के बाद भी हम लोग क्या ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो, पहले तो ये चीज होती है कि आप एक्सरसाइज कब करने जा रहे हो, मॉर्निंग में जा रहे हो या इवनिंग में जा रहे हो, दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है प्री और पोस्ट के लिए। तो मैं बात करता हूँ पहले मॉर्निंग में। अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग 8 से लेकर 10-11 बजे के बीच में खाना खा लेते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं, तो हम लोगों को कम से कम 6-7 घंटे का समय बीत चुका होता है और हम लोगों का पेट जो होता है पूरी तरीके से खाली होता है। जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारे पास थोड़ा सा कम होता है, जो हम आकर के अपनी जिम में खर्च कर सकें, इसलिए हमें वहां पर प्री वर्कआउट लेना पड़ता है, प्री वर्कआउट मील लेनी पड़ती है। तो प्री वर्कआउट मील में हम लोग क्या ले सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आप सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जब आप लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो आप लेंगे डाइट वो ज्यादा रहेगी और उसकी अपेक्षा जो प्रोटीन की डाइट होगी वो थोड़ी कम रहेगी। यानी और ऐसा भी खाना है, इतना नहीं खाना है कि हमारा पेट काफी भारी हो जाए और हम लोग एक्सरसाइज ना कर पाए। तो हम लोगों को काफी हल्का यहाँ पर डाइट लेनी है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेने जा रहे हैं तो एक केला आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एक आलू यूज कर सकते हैं या आप दही वगैरह भी खा सकते हैं। और यहाँ पर अगर प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन में भी अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर आप लीन प्रोटीन पसंद करते हैं तो अंडे का व्हाइट वाला हिस्सा आप ले सकते हैं एक्सरसाइज करने के पहले, लेकिन इतना लेना है कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मान लीजिए एक केला आप ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आप 2 अंडों का व्हाइट पोर्शन ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आप एक स्लाइस या 2 स्लाइस ब्रेड की आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ 2 अंडे व्हाइट वाले आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपके पास पहुंच जाएगा जो कि एक डाइट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये आपकी एक डाइट होती है, आप इतना खा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये सारी चीजें भी अवेलेबल नहीं होती, यानी अंडा मॉर्निंग नहीं खा सकते और केले वगैरह की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो यहाँ पर तब भी आपको, अगर मैं दाल रोटी चावल की बात करूँ तो यहाँ पर आप रोटी का भी यूज कर सकते हैं और एक सिंगल चपाती आप मॉर्निंग में रात की बनी हुई यानी बासी रोटी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा विकल्प होगा। शहद लगा करके शहद भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर मॉर्निंग में, तो रोटी और शहद आप यूज कर सकते हैं, ये सबसे सस्ती डाइट आपके लिए होगी। क्या रिजल्ट्स नहीं आएंगे? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं और बता भी चुका हूं कि अच्छी डाइट ही आपको बनाती है। अगर आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी रिजल्ट उतने अच्छे होंगे और उतना ही अच्छा आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। तो यहाँ पर आप मॉर्निंग में एलमोंड्स वगैरह भी यूज कर सकते हो एक्सरसाइज करने के पहले, जो आपको फैट जहां से मिलेगा ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो एलमोंड्स वगैरह भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। कितने यूज कर सकते हो? 7 से 8 पीस आप यहाँ पर एलमोंड भी यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें अगर आप अपने हिसाब से ऑमलेट वगैरह व्हाइट एग का बनाना चाहें तो एक या दो, कम से कम 2 व्हाइट एग आप यहां पर यूज कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के साथ, ये आपके लिए काफी परफेक्ट रहेगा। और काफी हद तक जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें आपको लगता होगा हम ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। हम लोग जब डाइट लेते हैं और कम्प्लीट डाइट यानी हम लोगों की जो डाइट होती है वो 5 से 6 या जरूरत के हिसाब से 8 बार भी डाइट होती है, वो जरूरत होता है कि हमें कितना प्रोटीन कितना कार्ब लेना है, तो उसके हिसाब से हम उस डाइट को डिवाइड कर लेते हैं और उस हिसाब से निकाल लेते हैं इतना 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 प्रोटीन, इतना इतना कार्ब, इतना फैट हर डाइट में हमारे रहना है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं, उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि हमें कितना क्या डाइट की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम डाइट सेट कर लेते हैं। अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आपको 5 मील की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा है तो 8 मील की जरूरत पड़ेगी, और ये भी एक डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो यहाँ तो ये हो गया प्री वर्कआउट की बात। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट की, तो 100% जब आप पोस्ट वर्कआउट लेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, तो यहाँ पर प्रोटीन आपको जो यूज करना है 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं एक्सरसाइज करने के 15 से आधे घंटे बाद, जब आपकी जो सांस है वो नॉर्मल हो जाती है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा हार्ट बीट जो होती है तेज होती है वो नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद हम 10 से 15 20 मिनट बाद इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कभी कुछ लोग
आपके मन में ये आता है क्या एक घंटे बाद भी हम ले सकते हैं? देखिए जितनी जल्दी ले लेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, जितना लेट करेंगे फायदा तो होगा लेकिन शरीर जब भूखा होता है तब हम उसको कुछ ना कुछ हमको देना है, कुछ ना कुछ डाइट देनी है, ठीक है। तो इसमें हमें प्रोटीन यूज करना है और इसमें भी आप चाहो तो कार्बोहाइड्रेट में कुछ सोर्सेस अपनी जरूरत के हिसाब से, आपको मोटा होना है या फिर आपको लीन होना है उसके हिसाब से आप अपना कार्बोहाइड्रेट इसमें ऐड कर सकते हो। ये आपकी दूसरी डाइट होगी एक्सरसाइज करने के बाद जो लेंगे आप। इसमें भी आप एलमंड्स वगैरह यूज कर सकते हैं फैट के लिए और जरूरत के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट और फैट का रेशियो के हिसाब से, अपने रेशियो के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ भी आप कार्बोहाइड्रेट में केले भी यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। प्रोटीन आपके पास जो अवेलेबल है, अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं तो वो तो लीन में आ गया। अगर आप लीन प्रोटीन वैसे भी एग से लेना चाहते हैं तो यहाँ से 4 से 5 अंडे आप व्हाइट एग के ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये थी प्री और पोस्ट, बिल्कुल सिंपल होता है, समझने वाली बात है, मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपको इजीली समझ में आ जाता है तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए। और अगर जिसको भी ट्रेनिंग लेनी है, मैंने पिछली बार अपने नंबर शेयर किए थे, वो मेरे से ट्रेनिंग ले सकता है ऑनलाइन आकर के। और किसी भी तरीके से कोई जानकारी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं मेरे से, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। दोस्तों बस यही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा, कुछ बताइएगा मेरे को भी इसके बारे में, तो मैं भी और कुछ वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार।